भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा और युवा मोर्चा ने किया मास्क का वितरण। घोड़ा डोंगरी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वितीय कार्यकाल के ऐतिहासिक प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश एवं जिले नेतृत्व द्वारा किए गए कार्यक्रमों के तहत मास्क का वितरण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री आदित्य बबला शुक्ला ने निर्देशानुसार सभी मोर्चों को मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण के लिए अलग अलग दिन तय कर दिया था। श्री शुक्ला के निर्देशानुसार सभी सातों मोर्चों को जिले भर में अलग अलग तारीखें दे दी गई हैं, जिससे प्रतिदिन सभी मोर्चा अपने अपने तय स्थानों में मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण ज्यादा से ज्यादा कर सकें और लोगों में मास्क पहनने के प्रति जागरूकता आए। इसी के अंतर्गत 6 जून को भाजयुमो, 7 जून को पिछड़ा वर्ग मोर्चा, 8 जून को जनजाति मोर्चा, 9 जून को महिला मोर्चा, 11 जून को अनुसूचित जाति मोर्चा सभी मंडलों में मास्क वितरित करेगा। इसी के अंतर्गत घोड़ा डोंगरी मंडल के कानाबाड़ी, अनकाबाड़ी, रानीपुर, आमढाना, जुबाड़ी, बासपुर, रातमाटी सहित अनेक स्थानों में भाजयुमो एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा मास्क वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व संसदीय सचिव रामजीलाल उइके, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेंद्र मालवीय, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश महतो, पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल अध्यक्ष इंदल यादव, शंकर राठौर, जतिन अरोरा, दीपक उइके, युवा मोर्चा जिला मंत्री विकास सोनी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आवास मिश्रा, मोहित दुबे, राजेश राठौर, गंगा प्रसाद यादव, मुकेश यादव, पवन पत्ती सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।